अय्यूब की पुस्तक अध्याय 24। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 24। सर्वशक्तिमान ने समय क्यों नहीं ठहराया, और जो लोग उसका ज्ञान रखते हैं वे उसके दिन को क्यों देखने नहीं पाते। कुछ लोग भूमि की सीमा को बढ़ाते और भेड़ बकरियां छीनकर चराते हैं, और वे अनाथों का गधा हाँक ले जाते और विधवा का बैल बांधकर रखते हैं। वे दरिद्री लोग को मार्ग से हटा देते और देश के दीनों को इकट्ठे छिपना पड़ता है। देखो, वे जंगली गधों की नाई अपने काम को और कुछ भोजन यत्न से ढूंढने को निकल जाते हैं। उनके लड़के बालों का भोजन उनको जंगल से मिलता है। उनको खेत में चारा काटना और दुष्टों की बची बचाई दाख बटोरना पड़ता है। रात को उन्हें बिना वस्त्र नंगे पड़े रहना और जाड़े के समय बिना ओढ़े पड़े रहना पड़ता है। वे पहाड़ों पर की झाड़ियों से भीग रहते और शरण न पाकर चट्टान से लिपट जाते हैं। कुछ लोग अनाथ बालकों मां की छाती पर से छीन लेते हैं और दिन लोगों से बंधक लेते हैं, जिनसे वे बिना वस्त्र नंगे फिरते हैं और भूख के मारे पुलिया ढोते हैं। वे उनकी भीतों के भीतर तेल पेरते और उनके कुंडों में दाख रौंदते हुए भी प्यासे रहते हैं। वे बड़े नगर में कराहते हैं और घायल किए हुओं का जी दोहाई देता है, परंतु परमेश्वर मूर्खता का हिसाब नहीं लेता। फिर कुछ लोग उजियाले से बैर रखते हैं, वे उसके मार्गों को नहीं पहचानते और न उनके मार्गों में बने रहते हैं। खूनी पह फटते ही उठकर दीन दरिद्र मनुष्यों को घात करता और रात को चोर बन जाता है। वे बिचारी यह सोचकर कि कोई मुझको देखने न पाए दीन डूबते की राह देखता रहता है, और वह अपना मुंह छिपाए भी रखता है। वे अंधियारे के समय घरों में सेंध मारते और दिन को छिपे रहते हैं। वे उजियाले को जानते भी नहीं, इसलिए उन सबों को भोर का प्रकाश घोर अंधकार सा जान पड़ता है, क्योंकि घोर अंधकार का भय वे जानते हैं। वे जल के ऊपर हल्की वस्तु से सरीखे हैं, उनके भाग को पृथ्वी के रहने वाले कोसते हैं, और वे अपनी दाख की बारियों में लौटने नहीं पाते। जैसे सूखे और घाम से हिम का जल सूख जाता है, वैसे ही पापी लोग अधोलोक में सूख जाते हैं। माता भी उसको भूल जाती है और कीड़े उसे चूसते हैं, भविष्य में उसका स्मरण न रहेगा। इस रीति से टेढ़ा काम करने वाला वृक्ष की नाई कट जाता है। वह बांझ स्त्री को जो कभी नहीं जनी लूटता और विधवा से भलाई करना नहीं चाहता है। बलात्कारियों को भी परमेश्वर अपनी शक्ति से खींच लेता है। जो जीवित रहने की आशा नहीं रखता वह भी फिर उठ बैठता है, उन्हें ऐसे बेखटके कर देता है कि वे संभले रहते हैं, और उसकी कृपा दृष्टि उनकी चाल पर लगी रहती है। वे बढ़ते हैं तब थोड़ी देर में जाते रहते हैं, वे दबाए जाते और सभों की नाई रख लिए जाते हैं और अनाज की पाल की नाई काटे जाते हैं। क्या यह सब सच नहीं? कौन मुझे झुठलाएगा और कौन मेरी बातें निकम्मी ठहराएगा?